सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में भी आपको हिप हॉप का अपडेट्स दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात कर लेंगे किंग भाई के बारे में। सो बेसिकली किंग भाई का इंटरनेशनल शो अनाउंस हुआ है, जो शो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और किंग भाई का मोनोपोली मूव्स के अंदर जो ट्रैक था दिलुलू डांस, उस ट्रैक का म्यूजिक वीडियो आया है, जिसका लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बात कर लेंगे हनीपा जी के बारे में। सो बेसिकली हनीपा जी अपने पॉडकास्ट के अंदर इंटरनेशनल विलेजर 2 एल्बम के बारे में बात किया है, तो आप लोग खुद ही सुन लो उन्होंने क्या कहा है। Supposed to drop International Villager 2, right? हाँ जी, हाँ जी. उसका क्या चल रहा है? उसके लिए मैं personally बहुत excited हूँ। हाँ, उसमें ना बहुत बड़े नाम थे। AP was there, we were in talks with Karan, Jazzy B, Babu Man, Gurdas Man, Harijit, Atif Aslam, Zubin Nautiyal. कौन नहीं था इस एल्बम में ये बता दो। वही ना, वही तो। तो इतने बड़े बड़े नाम थे और मैं ऑनलाइन जैमिंग में बिलीव नहीं करता। अच्छा। तो आई एम बेस्ड इन दुबई, तो मैंने प्लान ऐसा किया कि लेट्स एवरीबॉडी कम टू मी टू दुबई, लेट्स सिट टुगेदर, गिव मी 7 डेज ऑफ योर्स इन स्टूडियो। बिफोर स्टूडियो आई नीड टू सेट, आई नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी एंड वी नीड टू शेयर आइडियाज, देन वी विल गो टू द स्टूडियो। सो 3 डेज फॉर द स्टूडियो, 4 डेज आउटसाइड द स्टूडियो। तो वो सबकी डेट्स ही नहीं मिल पा रही थी, बन नहीं पा रही, क्योंकि एवरीबॉडी इज अ सुपरस्टार। और फिर मेरी भी डेट्स नहीं प्लान हो रही थी, तो वो हैपन ही नहीं हो पा रहा था। बोहिमिया बाजी का गाना बन गया, कैलिफोर्निया जाके मैं बना के आ गया था, हमने फोटो भी डाली थी। हाँ, वो गाना बन गया था, एमईवे का गाना बन गया था, बाकी गाने सारे रुक गए। तो फिर मैंने कहा चलो एक ईपी बनाते हैं, सोलो आरएनबी। फिर ईपी से वो कन्वर्ट हुई एल्बम में, 9 गानों की, बढ़ते गए। फिर 18 गानों की कोलैबोरेशन एल्बम हुई, क्योंकि फिर मैंने कहा जब एल्बम बन नहीं रही है, एक्सटेंड हो रही है, तो कुछ कोलैबोरेशन करी जाए, भले बड़े नाम ना हो लेकिन वो नाम हो जो मुझे बहुत पसंद है, जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, और बहुत ही प्यारे लोग। तो मैंने उन सारे प्यारे लोगों को घेरा और डाला ग्लोरी। तो आप लोगों ने सुना हनीपा जी ने क्या कहा है कि बोहिमिया पाजी के साथ जो ट्रैक था और एमी भाई के साथ जो ट्रैक था, वो ट्रैक रेडी हो चुका है इंटरनेशनल विलेजर 2 एल्बम का। लेकिन बाकी जितने भी आर्टिस्ट के साथ कोलैब करने वाला है हनीपा जी, उनका डेट मैच नहीं हो रहा था हनीपा जी के साथ। तो अभी देखते हैं इन फ्यूचर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है। इसके अलावा हनीपा जी के एल्बम में से जो ट्रैक है बोनीता, उसका म्यूजिक वीडियो आने वाला है 8 सितंबर। अभी देखते हैं ये म्यूजिक वीडियो कैसा होता है। सो गाइस इस वीडियो में तो इतना ही, मिलता फिर एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।